हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेटीयू यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 3 से 4 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एकेटीयू का जो ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेस है। तो उस वीडियो पर मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन ये थे कि इस बार एकेटीयू के ऑड सेमेस्टर की जो कॉपीज है वो किस तरह से चेक हुई है, यानी कि मार्किंग हार्ड हुई है या फिर इजी हुई है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग एकेटीयू के स्टूडेंट हैं। और प्लस आपको बताएंगे जो आपका रिजल्ट है एकेटीयू का 7th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 1st सेमेस्टर का, वो रिजल्ट जो है कब तक आने के चांसेस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं और वो ये कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं बताने वाला कि आपकी कॉपी किस तरह से चेक हुई है। यहाँ पे हम आपको एक आइडिया बताएंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है COVID-19 की वजह से प्रीवियस ईयर बैक के एग्जाम्स नहीं हो पाए थे जो कि आपके जनवरी के लास्ट वीक में हुए थे और जो उसका रिजल्ट था वो 9 मार्च को डिक्लेयर हो गया था। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे जो रिजल्ट आया था वो कैसा आया था, कॉपी किस तरह से चेक हुई थी, क्या आइडिया हमने लगाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट किस तरह से देख सकेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे जो आपका रिजल्ट है वो इस साल कैसा आने वाला है, मार्किंग कैसी हुई है, प्लस जो आपका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपना एकेटीयू का रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो मार्किंग है वो इस साल कैसी होने वाली है ऑड सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट देख सकेंगे। तो आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग रिजल्ट्स का एक कॉलम देख सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा AKTU ऑड सेमेस्टर रिजल्ट 2020-21, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और आप लोग अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, आपको दिखाते हैं कुछ रिजल्ट्स जो कि छात्रों के प्रीवियस ईयर कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाए थे और उन्होंने जनवरी लास्ट वीक में अपने बैक पेपर के एग्जाम्स दिए थे, उसका हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे और उसके बताएंगे जो आपकी मार्किंग है वो कैसी हुई थी और अब यानी कि और सेमेस्टर में कैसी मार्किंग होने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये एक रिजल्ट देख सकते हैं, इनके कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाए थे प्रीवियस ईयर और इनका जो एग्जाम था वो जनवरी लास्ट वीक में हुआ था इस साल यानी कि 2021 में, और जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 9 मार्च 2021 यानी कि पिछले महीने इनका रिजल्ट आया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी 2 सब्जेक्ट में बैक थी, एक था लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन और दूसरा था इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंट्रोल। ये इस टाइम 8th सेमेस्टर के छात्र यानी कि इन्होंने 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी सिर्फ एक ही बैक निकली, 29 नंबर आए थे और EMC में इनके दोबारा से बैक लग गई यानी कि सिर्फ 4 नंबर आए हैं और इनके पिछली बार थे 8 नंबर और इस बार इनके और मार्क्स कम हो गए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इस बार इजीली सबकी बैक निकल जाएगी या फिर आपको सभी को प्रमोट किया मतलब पास किया जाएगा इजी मार्किंग करके कोविड की वजह से, तो आप लोग गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने का, ठीक है। और यहां पर आप लोग एक और रिजल्ट देख सकते हैं, इनका भी बैक का एग्जाम्स हुआ था जनवरी लास्ट वीक में और इनकी दोनों सब्जेक्ट में दोबारा से बैक लग गई थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंट्रोल में इनके पहले 13 नंबर थे और दोबारा से जो इनका बैक का रिजल्ट आया उसमें भी इनके 13 नंबर आए और इनकी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक में भी दोबारा से बैक लग गई, पहले 8 नंबर थे और दोबारा से जो इनके मार्क्स आए वो आए 12 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्किंग इजी नहीं होने वाली, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक और रिजल्ट देख सकते हैं, इनका भी बैक का रिजल्ट था मगर इनकी दोनों ही बैक क्लियर हो गई। मगर यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि EMC में इनके सिर्फ 21 नंबर आए हैं यानी कि सिर्फ जस्ट पास हुए हैं और 2 छात्र जो मैंने अभी पिछले आपको दिखाए थे
उनकी दोबारा से ईएमसी में बैक लग गई थी, एक ही क्लास के छात्र, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मार्किंग थोड़ी इजी हो जाएगी कोविड की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने कॉपी में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से आप लिख के आए हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही है और आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन कुछ और है, आपने आंसर कुछ और दिया है, तो ऐसे में आपको मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये हम आपको एक अपना आइडिया बता रहे हैं, अपनी व्यूज दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है, हम आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ और आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने चेक कर लिया कि आपको अपना रिजल्ट किस तरह से चेक करना है, प्लस आपको यहां पे मैंने तीन स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाए थे जिनके प्रीवियस ईयर कोविड की वजह से बैक पेपर नहीं हो पाए थे और फिर उनके जनवरी लास्ट वीक में एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। और इसमें तीन स्टूडेंट्स के जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाए, सिर्फ इसमें एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसकी दोनों बैक क्लियर हुई हैं, और उसमें एक स्टूडेंट की दोबारा से दोनों बैक लग गई और एक स्टूडेंट की एक बैक क्लियर हुई है और एक में दोबारा से बैक लग गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक कॉमन चीज थी वो ये थी कि ईएमसी यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंट्रोल में तीनों छात्रों की बैक थी, जिसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट के सिर्फ 21 नंबर से पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमसी की कॉपी थी वो काफी ज्यादा हार्ड चेक हुई थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो मार्क्स जिसके 21 नंबर आए हैं उसने 30 से 35 नंबर मान रखे थे और उसके सिर्फ 21 नंबर यानी कि जस्ट पास हुआ है, ठीक है ना। और दो स्टूडेंट्स तो दोबारा से फेल हो गए, एक के सेम मार्क्स हैं और एक के शायद 5 या 8 नंबर हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी जो कॉपी की मार्किंग है वो ईजी होगी तो आप लोग गलत हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने का, क्योंकि जो बैक का रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मार्किंग हुई है वो काफी ज्यादा हार्ड हुई थी। और अब उम्मीद जो की जा रही है यानी कि जब आपका और सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा इसमें भी आपकी जो मार्किंग है वो ठीक ठाक होगी, यानी कि इजी मार्किंग नहीं होने की। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई कॉपी फिल करके आओ, 30 पेज या 28 पेज भर के आओ, पास हो जाओ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इन स्टूडेंट्स ने भी 25 पेज और 20 पेज भर रखे थे और आप लोगों ने मार्क्स देखे कैसे आए हैं, 8 नंबर 12 नंबर, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई मैं तो 28 पेज भर के आया हूँ, 30 पेज भर के आया हूँ और मेरी जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे, और जबकि आपने कॉपी में कुछ और लिखा है, क्वेश्चन कुछ और है, तो ऐसा नहीं होने का। बहुत कम रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर मार्क्स देके चला जाता है कि भाई चलो बच्चे ने 2 पेज लिखे हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने रिलेटेड लिखा है तो 7 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर दे देता है, मगर अगर आपने बिल्कुल ही कुछ ऊटपटांग लिख रखा है तो ऐसे में आपके जो मार्क्स हैं वो शायद उस क्वेश्चन पे नहीं देने का। और जो आपकी मार्किंग है वो भी ठीक ठाक होने वाली है, बिल्कुल हल्की मार्किंग नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भी चेक किए कि कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे इस साल और सेमेस्टर के, जबकि क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मार्किंग ईजी होगी तो आप गलत हैं। हो सकता है एकाध सब्जेक्ट में ईजी मार्किंग हो जाए, मगर अगर आप सोच रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में ईजी मार्किंग होगी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लस जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं आपकी, उनके मूड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब बात आती कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट किस डेट से आने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, जो आपका रिजल्ट है वो 20 अप्रैल के बाद से आने के चांसेस है, 20 से 25 अप्रैल तक, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, और जो सबसे पहले आपका रिजल्ट है वो आपका सबसे पहले 7th सेमेस्टर का आएगा, उसके बाद 5th एंड देन 3rd, और सबसे लास्ट में 1st सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सबसे लास्ट में जो एग्जाम्स अभी कंप्लीट हुए हैं, फिनिश हुए हैं, वो फर्स्ट ईयर के हुए थे, और सबसे पहले एग्जाम्स आपके वो फाइनल ईयर के छात्रों के हुए थे, और उससे पहले आपके बैक के एग्जाम्स तो, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। और बैक की आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से मार्किंग हुई थी, यानी कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी उसमें, वो ये कि जो 7th सेमेस्टर में छात्रों की ईएमसी में जो बैक थी उसमें खास तौर से मार्किंग थोड़ी हार्ड हुई थी, ठीक है। और एटीडी में भी काफी ज्यादा छात्रों की हमारे कॉलेज में बैक थी, उनका जो मैंने रिजल्ट चेक किया तो उसमें थोड़ी मार्किंग इजी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है, आप लोग ये ना सोच के चलें कि सभी सब्जेक्ट में मार्किंग ईजी होने वाली है या फिर सभी सब्जेक्ट में मार्किंग हार्ड होने वाली है। तो कुछ सब्जेक्ट में ईजी भी हो सकती है और कुछ में हार्ड भी हो सकती है, हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, एग्जैक्ट सही नहीं बता रहे, क्योंकि मैं भी बोर्ड में कोई मतलब कॉपी चेक नहीं करने गया, मैं भी स्टूडेंट हूं और मैं अपना आइडिया अपना विचार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और अगर AKTU से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहां पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित AKTU गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।